उत्तर प्रदेश के हरदोई से रिश्वत मांगने का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एक उपभोक्ता ने बिजली विभाग में नया बिजली का मीटर लगाने के लिए आवेदन दिया था, जिसके बाद बिजली विभाग के विद्युत कर्मी मीटर लगाने आए और मीटर लगाने के पैसे मांगने लगे, जिसके बाद उपभोक्ता ने अपने मोबाइल से वीडियो शुरू कर दिया। वीडियो में विद्युत कर्मी पैसा मांगता दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कि जब उसे पता चला कि उपभोक्ता उसकी वीडियो बना रहा है तब वो कहता सुनाई दे रहा है कि वीडियो किसी को भी दिखा लो, चाहे ASI एक्शन जे ही किसी को भी दिखा लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनकी बना लो, हमारी बना लो, कोई बना लो, वो तुम पर पैसा तो मांग रहे हैं, जबरदस्ती कर लो। पैसा तो मांग ही रहे हो आप, बहुत मांग रहे हो, आप कह रहे हो इसको चार्ज हम लेंगे आपसे, खर्चा पानी तो लीजिएगा तो खर्चा पानी आप 400-500 रुपए लोगे, ऐसे का गरीब आदमी लूट लोगे यार, 500 थोड़ी ना हम कह रहे हैं। आपने अभी कहा कि हम 400-500 रुपए हमारा मुंगाई बनाओ, मुंगाई बनाई है आपके, तुरंत आप जहाँ वीडियो चालू हुआ पलट गए कि मोबाइल क्या देखा हो गया हमारी, बता तुम्हें जो खर्चा पानी हमने मांगो 300 रुपए मांगे, फिर करें 300 रुपए मांगे तुमको 1000-2000 रुपए ना मांगे, फिर रिकॉर्ड कर लो, SDO JEE चीफ सबका दिखा दे, अब 500 रुपए आपके रहते हैं, 300 रुपए अब कहीं 400-500 रुपए, 400-500 तुम बता तुम्हारे सामने कहीं कहीं ना 400-500 रुपए लगा दा सही लगा पूरा मामला हरदोई के ग्राम नीर का बताया जा रहा है। भड़कता विद्युत कर्मी बिना मीटर लगाए वहां से चला जाता है और मीटर भी वापस ले जाता है। ये वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, परंतु अगर ऐसा सच में है तो इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे रिश्वतखोर लोगों के लिए कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और ये वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो उसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।